गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमारा 9th क्लास का, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। उस चैप्टर के अंदर हमने मेन मेन जो स्टार्टिंग में आपके की पॉइंट्स दे रखे हैं चैप्टर के, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिलो पॉवर्टी लाइन, किस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या नीचे है, इसका क्या क्राइटेरिया था। इसके अलावा अलग अलग आपकी जो लिमिट्स सेट हैं, जैसे कि आपका अर्बन में अलग लिमिट सेट है, रूरल में अलग लिमिट सेट है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। उसी चैप्टर को मैं आज आगे कंटिन्यू करूँगा हमारे एक फ्रेश टॉपिक के साथ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब किसी भी कंट्री के अंदर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, हम तो अपनी कंट्री की अगर बात करें तो क्या क्या कारण है इसके अंदर देखते हैं। पहला, ब्रिटिश रूल। स्टार्टिंग करते हैं आपका हिस्ट्री से, अगर अपन बात करते हैं तो 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, बट उसके बाद क्या हुआ आपका, उससे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे हमारे रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सप्लोइट किया। आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, काफ़ी सारे इस तरीके के वो लोग प्रैक्टिसेस अपनाते थे जिससे इंडिया के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट होते चले गए। जैसे कि आप अभी 9th क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने कि कितने सारे फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ को काटा गया रेलवे के जो ट्रैक्स थे उनको बनाने के लिए, या फिर जो आपकी ब्रिटिशर्स शिप वगैरह बनाया करते थे यूरोप के अंदर, तो उनके लिए जो उन्हें लकड़ी चाहिए होती थी उन चीज़ों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे अगर हम पास्ट में जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर देखें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट किया, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया, एक्सप्लोइट किया और अपने खजाने वो भरते चले गए। अगर हम दूसरी बात करें सेकंड पॉइंट की, तो रूरल इकोनॉमी। अब हमारी कंट्री के अंदर पहली चीज़ एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कई बार आपने सुना होगा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, आज भी यहाँ पे मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और अलाइड एक्टिविटीज़। अब ज़रूरी है क्या कि हर जगह पे हर स्टेट के अंदर आपका जो रूरल इकोनॉमी है, जो गांव के अंदर फार्मिंग हो रही है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं या फिर वो अच्छी तरीके से काम कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जो हमारी गवर्नमेंट है प्रेजेंट में या जो पहले पास गवर्नमेंट रही हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, हमारे अर्बन एरियाज़ को, सिटीज़ को डेवलप किया, बट रूरल एरिया में आज भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत देखने को मिलती है। शायद इसलिए ही हमारे यहाँ पर 3 लेवल पर चलता है आपका चैप्टर, आप पढ़ेंगे जब 10th क्लास में आएंगे फेडरलिज्म, उसके अंदर आप पढ़ेंगे किस तरीके से डिवाइड कर रखा है पावर्स को, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो जो हमारा लोकल लेवल पे इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काफ़ी सारे काम करवाती रहती हैं। देन हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हमने पिछली क्लास में भी इसको स्टडी किया था कि इंडिया सेकंड नंबर पर है चाइना के बाद, मोर देन 135 करोड़ पीपल हमारी कंट्री के अंदर हैं और ये लगभग रोज़ बढ़ती ही जा रही है पॉपुलेशन हमारी। तो कंट्री का साइज़ लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपनी एक लिमिट है हर चीज़ को कह सकते हो आप यूज़ करने की या जॉब्स देने की, या हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक बजट रहता है हर सेक्टर का, उतना ही गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है। इसको अपन एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में पहले 5 जने थे, अब अगर 3 कोई मेहमान आ जाते हैं रहने के लिए तो आपके अब 8 लोग हो गए एक फैमिली के अंदर, तो अल्टीमेटली बजट बढ़ जाएगा, उन 3 लोगों का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होती जाएगी तो कंट्री के रिसोर्सेज तो यूज़ होंगे सही, प्लस पॉवर्टी भी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस संदर्भ में, उस कंपैरिजन में हम उतना रिटर्न नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर। देन आता है आपका क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ज़रूरी है क्या कि हर व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है, उसको जॉब मिल गई है? नहीं। आज हम देखते हैं कई तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़े हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आया, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा सीजनल है, बहुत सारे आपके अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। अब क्यों ये सब चीज़ें निकल करके आ रही हैं, क्योंकि प्रॉपरली लोग बागों को एक स्टेबल जॉब नहीं मिल पाती है,
कभी जॉब मिल जाती है तो वो पूरी फुल टाइम ही रहती है, कभी पार्ट टाइम जॉब मिलती है, कभी जॉब मिलती ही नहीं है। तो ये भी एक कारण है पॉवर्टी का कि हमारा जो यूथ है उसको जॉब नहीं मिल पाती है, जितनी जॉब्स रिक्वायर्ड हैं उतनी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिएट नहीं हो पाती है, तो फिर उन्हें स्विच करना पड़ता है आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ बना रखी हैं कि वो लोग वो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करें, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, आसाम, मेघालय, वहाँ पर आपकी कंट्री आप सॉरी इंडस्ट्रीज़ अगर आप डेवलप करते हैं, सेटअप करते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रिबेट देती है। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हमारे कंट्री के हर स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो, बट स्टिल प्रॉपर वे पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में नहीं हो पाया है। या कह सकते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी फैक्ट्री लगी हुई हैं, जैसे आप देखेंगे दिल्ली के आसपास, हरियाणा, यूपी, ये वो बेल्ट है जहाँ पर बहुत सारी आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई ईटेबल वगैरह लेते हैं तो आप पीछे देखना, कभी एग्जाम्पल लेना, उसके अंदर कहाँ से निकल करके आता है वो, ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ आपकी इन जगहों पर रहती है। या फिर आपका मेडिसिन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहाँ पर बनती है, उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के आसपास की जो भी बेल्ट है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में, कहने का मतलब ये, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही आपकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो फ़ायदा भी किधर मिलता है, उन्हीं स्टेट्स को मिल पाता है। हालांकि जीएसटी आने के बाद अब ऐसा हो गया है कि आपका अलग अलग स्टेट्स के अंदर रेवेन्यू अब जनरेट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और अगर आप फिर कॉमर्स लेते हैं तो फिर आपको ये और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं आपका सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पॉवर्टी के, आपका फैमिली का साइज़ बड़ा है, आपने प्रॉपर एजुकेशन नहीं लिया है, आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आप रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हुई हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसके अलावा आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ पर फिर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, या गवर्नमेंट उस सेक्टर को प्रॉपर एक देख नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने तो कानून बना रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, बट वो सेक्टर उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लोइटेशन होता है, जैसे कि तो वहाँ पर लेबर आती है, उनका क्या प्रॉपर, गवर्नमेंट ने तो बोल रखा है कि इतना उनको रोज वेजेस देने हैं, बट क्या एक्चुअल में उनको इतने वेजेस मिल रहे हैं, या 8 या 10 घंटे काम कर रहे हैं, हम देखते हैं लगातार 12-12 घंटे तक लोग बाग काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी, अगर हम इस पॉइंट पे जाते हैं सोशल फैक्टर्स के अंदर, तो बहुत सारे इसी के अंदर आपके अलग अलग पॉइंट्स निकल करके आते हैं जो कि कई शो करते हैं कि पॉवर्टी क्यों है हमारी कंट्री के अंदर या प्रिवेल कर रही है। हालांकि जो पॉवर्टी आज से 40 साल पहले थी वो ट्रेंड अब कम हो गया है, वो रेशो कम हुआ है, अब लोग बाग गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कंट्री डेवलप नहीं कर रही, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर आज पॉवर्टी है, और जो भी गवर्नमेंट अभी है, जो आगे आएगी, उनको और स्ट्रॉन्ग मेजर्स उठाने पड़ेंगे पॉवर्टी को हटाने के लिए। इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, द लास्ट पॉइंट इज इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब किसी भी कंट्री की बात करें, हम इंडिया की बात करते हैं अगर, तो हर कंट्री अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, बजट आता है। बजट का मतलब ये होता है कि आपने, गवर्नमेंट ने जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया है कंट्री के अंदर से, डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में, उसको वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो मैं फिर कहता हूँ कि गवर्नमेंट की भी अपनी एक लिमिट है, उसको हेल्थ केयर में भी देना है, एजुकेशन में भी देना है, ट्रांसपोर्ट में भी देना है, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी रखना है। तो एक बजट तय रहता है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी में यह क्या बताया जा रहा है कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी किसी सेक्टर के अंदर एक बजट तय है तो वो उतना ही उसके अंदर खर्चा करेगी। अब हमें यह तय करना है कि हम कैसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम अपने नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहें। आज गवर्नमेंट एजुकेशन दे रही है, लोगों को स्किल दे रही है, तो हम अपना खुद का स्टार्टअप लगा सकते हैं, खुद के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली, कई बार क्या होता है, हम देखते सुनने में आता है कि लोग बाग ब्लेम करते रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाल रही है, या अभी आपका एग्जाम्पल है तो लॉकडाउन चलेगी, तो उसका कारण क्या है। उस कारण को जानने की बजाय लोग बाग केवल एक हाइप बनाने की कोशिश करते कि हमारी तो इकोनॉमी डाउन चलेगी, या आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़े हो तो उसमें देखा होगा बांग्लादेश से कम हमारी इकोनॉमी है। तो ये सब एक शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो कि जैसे ही आपका ये रिकवरी होएगी वापस से हमारी कंट्री आगे ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो
इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक रीज़न रहता है, आप कंट्री किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी चला रही है कंट्री को आगे ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, आगे हमारा टॉपिक है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्कीम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द सेकेंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे प्रमोट करेंगे, अभी अपन लास्ट पॉइंट क्या पढ़ के आए, इकोनॉमिक पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंट्री कैसे आगे ग्रो कर रही है, पॉवर्टी से हमें कैसे इसको रिड्यूस करना है और आगे बढ़ना है। अब हमारा पॉइंट आया प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने नाम सुना होगा आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का। कंट्री ने, हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो 1991 के बाद हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म किया और आज के टाइम पर हम पूरे वर्ल्ड के साथ एक अच्छे हमारे रिलेशन से और ट्रेड करते हैं, काफ़ी मात्रा में हम यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ आज कंट्री की हमारी अच्छी हो रही है, हम खुद भी कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ भी हमारे कंट्रीज़ के अंदर आकर के अपनी फैक्ट्री सेट कर रही हैं और यहाँ पर अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है कंट्री की, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी तो पॉवर्टी अपने आप कम होगी, क्योंकि आप खुद एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, आज कोई बाहर की कंपनी है उसको इंडिया में आकर के फैक्ट्री लगानी है तो यहाँ पर उसको एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, यहाँ पर उसको अगर अपना फैक्ट्री चलाना है तो बहुत सारे वर्कर्स रहेंगे, मार्केटिंग टीम रहेगी, एडवर्टाइजमेंट टीम रहेगी, तो लोगों को जॉब मिलेगा, इसके अलावा गुड्स आपके प्रोड्यूस होंगे, उनको आप क्या करो चेन बन जाती है। देन आगे अपन देखते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इसके अंदर बताया गया है किस तरीके से गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेटेड प्रोग्राम्स बना रखे हैं कि हमें इस सेक्टर के अंदर गरीबी को हटाना है, हमें इस सेक्टर के अंदर कुछ मेजर्स लेकर के आने हैं, लोग बागों को सब्सिडाइज वे में फूड ग्रेन्स देने हैं, तो अलग अलग पॉवर्टी प्रोग्राम्स है जो अपन देखेंगे। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अब 80s के बाद से हमने एक स्पीड पकड़ी और 1991 में जब हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया उसके बाद लगातार हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये हम कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड क्या है, एक आज ग्लोबल अम्ब्रेला है। आज ऐसा कोई भी कंट्री नहीं जो कटी हुई रहे, बोले हम तो हमारे रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कंट्री में काम कर लेंगे। आज हर कंट्री को दूसरी कंट्री की ज़रूरत रहती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, आइडियाज़ होते हैं, एक्सचेंज ऑफ पीपल होता है, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारे अलग अलग फ्रंट्स पे कंट्री आपस में इंटरचेंज चीज़ों को करती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, सम ऑफ द स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट द पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर, कौन कौन से स्कीम्स हैं एक बार देखते हैं हम। द फर्स्ट स्कीम इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो आपको ये आपका टॉपिक याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनी टू टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो आपको ये टॉपिक याद रखना है, कई बार टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। कौन कौन सी स्कीम है एक एक करके अपन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा 2005 में आपका 2004 से लेकर 14 तक किसका टेन्योर था, कांग्रेस का, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह। 2005 में आपकी नरेगा स्कीम आई, 2009 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्या होता है इसके अंदर, 100 दिन तक आपको गांव के अंदर रोजगार दिया जाता है, किसको रोजगार दिया जाता है, जो लोग एनरोल कराते हैं। कब एनरोल कैसे कराएंगे, आप पर्टिकुलर एक विलेज के अंदर उस कार्ड के तहत आपके आसपास की लोकेलिटी के अंदर आपको 100 डेज का जॉब दिया जाएगा। इसके अंदर पर्टिकुलरली किसको मोर फोकस रहता है, जो आपके रिजर्व क्लास के अंदर आते हैं उन्हें, जो वुमेन्स हैं उन्हें, एक एक करके अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं। 2005 सितंबर में इसको पास किया गया था, 100 डेज की इसके अंदर अशोर्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट, आज की अगर अपन बात करें तो मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग अपने पूरे इंडिया के अंदर मनरेगा चल रहा है। अगर अपन आज प्रेजेंट बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 730 से लेके 740 तक आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो लगभग 85 से 90% पूरे इंडिया के अंदर मनरेगा वाली स्कीम रन कर रही है।
1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, अब एक फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा और उस फंड के तहत ही फिर लोगों को उनकी सैलरी मिलेगी, उनको उनका अलाउंस मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब नेशनल लेवल से आपका फंड आ गया, कुछ पार्ट स्टेट को भी अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अंडर द प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज शी और ही विल बी एंटाइटल्ड टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब का मतलब यहाँ पे टेम्प्रेरी जॉब है 100 डेज का नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन महाराष्ट्र का, यूपी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कई स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मनरेगा स्कीम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की गई है और इसके तहत लोग बागों को एक पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जॉब मिल ही जाता है। सेकंड स्कीम की बात करें, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP कब लॉन्च हुई, 2004 में। इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के 150 से ज़्यादा ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किया गया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी गरीबी देखने को मिली और वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। द प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क। अब किसके लिए ओपन है प्रोग्राम, पहली बात गाँव के लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है रोज़गार की और वो मैनुअल अनस्किल्ड वर्क कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, मतलब उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, जैसे कि आपको मकान बनाना है तो वहाँ पर लेबर की ज़रूरत है, किसी फैक्ट्री में मैनुअल आपको पैकिंग करनी है, किसी चीज़ को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके अंदर ज़रूरत पड़ती है लोगों की। तो इस तरह की स्कीम के तहत इन लोगों को रिक्रूट किया जाता है या इनका एक डेटा बना करके रखा जाता है, फिर जब भी जॉब की रिक्वायरमेंट आती है तो आपका वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ मिल जाती है उस एप्लीकेंट को। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड। आप कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके तहत आपके फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइडेड होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट। स्टेट को आपका फूड ग्रेन मिल जाएगा और वो फूड ग्रेन फिर वो जो भी इसके अंदर एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने भी इसके अंदर रजिस्टर करा रखा है, उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, कब लॉन्च हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी, 1993 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कीम को लाया गया था 1993 के अंदर। मैंने फिर कहा, पहले भी बताया था, अभी फिर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उन सबकी गवर्नमेंट में ही जॉब लगे। प्राइवेट सेक्टर भी बूम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप ले सकते हैं, खुद की फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती रहती है अलग अलग स्कीम्स के तहत। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्कीम इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च इन 1995। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। अब हमारी कंट्री में जब आज़ादी मिली 47 में, 51 में जवाहरलाल नेहरू ने 5-year प्लान्स का इंट्रोडक्शन किया, टोटल हमारे 12 5-year प्लान्स आए। ठीक है, तो 10th 5th-year प्लान के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम कब आई थी आपकी, 1995 के अंदर, और पर्पज़ क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर, 25 लाख जॉब्स इसके अंदर न्यू क्रिएट किए जाएंगे अलग अलग फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। आगे देखते हैं आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह स्कीम आपकी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा NTSC में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो
तो जितनी भी स्कीम्स हम आज क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनटीएससी में बन जाते हैं। चालू करते हैं अपनी स्कीम। इट वॉज लॉन्च इन 1999। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाउट द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गनाइजिंग दैम इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। आप इसका पर्पस क्या है स्कीम का, किस तरीके से हम लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल के ला सकते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन ला सकते हैं, और इसके लिए क्या किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं आपके विलेजेस के अंदर, स्वयं सहायता समूह। अब क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको एक बार अपन समझ लेते हैं। जनरली विलेजेस के अंदर 20 से लेकर 30 फैमिलीज़ में जो वुमेन रहती हैं वो इस ग्रुप को बनाती हैं, वही इसको हेड करती हैं और एक स्टार्ट करती हैं अपनी सेविंग हैबिट। हर महीने 50 रुपये 100 रुपये वो लोग इस तरीके से सेविंग करने का एक हैबिट बना लेते हैं और हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए एक उनके पास फ़ंड इकट्ठा हो जाता है और फिर उस फंड को वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर। अब एक इसका फ़ायदा ये भी है कि कोई एक मेम्बर है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसको लोन लेना है बैंक से बट उसके पास कोलेटरल रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने बिहाफ पर लोन लेके उस व्यक्ति को दे सकता है और बीच में गारंटी ले सकता है कि भाई हम आप बैंक को राशि लौटा देंगे अगर ये नहीं लौटा पाता है तो। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा आपके गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी देखने को मिला है हमारे। अब इसके अंदर क्या रहता है आपका, थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना है, किसी व्यक्ति को अपना नई मशीन खरीदनी है फार्म के लिए, नया ट्रैक्टर खरीदना है, तो इसके थ्रू वो क्रेडिट ले सकता है और अपना एक्टिविटीज़ को और इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इट वॉज लॉन्च इन 2000। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब केंद्र सरकार की तरफ से कहाँ कहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, हेल्थ के लिए आपके अलग अलग, आपने देखा होगा हर विलेज के अंदर आपका हॉस्पिटल बना हुआ है प्राइमरी, फिर उसके बाद आपको अगर वहाँ पर नहीं मिलती है प्रॉपर फैसिलिटी तो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, अभी आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इसके ऊपर चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। फिर आता है आपका रूरल शेल्टर, गाँव के अंदर लोग बागों को पक्के मकान दिलवाना, पक्की सड़कें बनवाना। देन रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव के अंदर शुद्ध पानी मिले लोगों को पीने के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना। मतलब हमने देखा कई बार मूवीज़ के अंदर क्या देखते हैं हम कि लोग बाग वहाँ पर विलेजेस के अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है कि वहाँ बिजली नहीं है तो लोग बागों को अलग अलग इक्विपमेंट्स को लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लगभग मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 90% हमारे इंडिया के अंदर आपके इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कुछ जगह हाँ मैं कह सकता हूँ ऐसी होंगी जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची हो, बट गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। आप बिजली की बात करेंगे इसके साथ साथ आपका जो कनेक्ट कर दिया गया अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, आप वहाँ पर भी विलेजेस के अंदर रह करके भी आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं, नेट कनेक्टिविटी अब पहुँच चुकी है। आपका एक डिजिटल इंडिया करके जो अभियान चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके तहत ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। अनादर वन इज अंत्योदय अन्न योजना। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द BPL फैमिलीज वर कवर्ड अंडर द टारगेटेड PDS। अब 1 करोड़ फैमिलीज़ को हमने टारगेट किया। अब कैसे टारगेट किया, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डेटा है हर स्टेट का कितने लोग बाग BPL के अंदर आते हैं, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। राशन कार्ड बनता है, राशन कार्ड के तहत आपको क्या मिलता है, फेयर प्राइस शॉप से अलग अलग फूड ग्रेन मिलती हैं, ऑयल मिलता है। तो एक डेटा कलेक्ट किया और उसके अंदर क्या था स्टार्टिंग में टारगेट 1 करोड़ का। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू अ बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे, BPL सर्वे के तहत इनको आइडेंटिफाई किया गया और फिर इनको हेल्प की गई। कैसे, 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 2 rupees per kg फॉर व्हीट एंड 3 per kg फॉर राइस।
2 रुपये किलो में गेहूँ, 3 रुपये किलो में आपको चावल मिल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 रुपये में गेहूँ, 3 रुपये में चावल मिल रहा है, बट आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो शायद आपको 30 रुपये किलो या 30 रुपये किलो के अंदर वीट या 30 रुपये किलो के अंदर राइस मिलेगा। तो ये जो बीच का मार्जिन है वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट देती है उसको सब्सिडाइज्ड फॉर्म के अंदर। तो कई बार जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लास के अंदर कि सर जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को वो जाता कहाँ पर है? ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, इस जगह पर भी वो पैसा आपका खर्च हो रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई हम तो टैक्स देते हैं बट हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। डेवलपमेंट अपनी जगह हो रहा है, बट गवर्नमेंट का एक ये भी क्राइटेरिया बनता है कि जो भी उसका कंट्री के अंदर सेगमेंट है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है उनको हेल्प करना। आगे देखते हैं, दिस क्वान्टिटी हैज़ बिन एनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002। द स्कीम हैड बिन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 lakh PPL फैमिलीज इन जून 2003 एंड इन अगस्त 2004। विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज हैव बिन कवर्ड अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। कुल मिलाकर के हमें क्या समझ में आया? इस स्कीम के तहत आपके पर्टिकुलर जो टारगेटेड पीपल है उन्हें सब्सिडाइज्ड वे में कम पैसे के अंदर आपका फूड ग्रेन डिलीवर की जाएगी थ्रू अ सिस्टम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे देखते हैं, असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। हमने जो अलग अलग प्रोग्राम पढ़े उनका क्या रिजल्ट निकल कर के आया? पहला, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। हर सरकार जब आती है 5 साल के लिए बनती है तो वो अपने कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर देती है, बट क्या वो प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? क्या वो बिल्कुल जो लोगों के लिए बनी हुई है उन लोगों तक पहुँच पाती है? ऐसा नहीं देखने को मिला है। इसलिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। आपको आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है, आप आधार कार्ड के थ्रू लिंक करेंगे तो ही आपको स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, ताकि कोई करप्शन ना कर सके, बीच में कोई धांधली ना कर सके, धोखा ना कर सके। द सेकेंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ राइट टारगेटिंग। अब आपने किस सेगमेंट को टारगेट किया है, किन लोगों तक वो सहायता पहुँचनी चाहिए, अगर वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं होगा। हमने पढ़ा था पहले क्लास के अंदर भी कि राजीव गांधी ने बोला था कि मैं 1 रुपये ऊपर से खर्च करता हूँ तो नीचे पहुँचते पहुँचते 25 पैसे रह जाते हैं। मतलब बीच में कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं मनी अलग अलग वे में बट रही है। तो राइट पीपल को आइडेंटिफाई करके उन तक वो चीज़ पहुँच पाए, ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी पे रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके लिए उन्हें अलग अलग जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक टारगेट देना चाहिए। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग स्कीम्स चलाती है। मैंने बोला जैसे कि हर सरकार आती है तो अपनी एक स्कीम चला देगी। अब बहुत सारी स्कीम्स ओवरलैप होती रहती हैं तो जनता को ही पता नहीं पड़ता किस किस स्कीम के अंदर हमें रजिस्टर कराना है, और इसके तहत फिर गवर्नमेंट का भी काफ़ी सारा पैसा फिजूल खर्च होता है। नॉन डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स टू द टारगेटेड ग्रुप्स। आज जो व्यक्ति गाँव के अंदर रहता है, जो व्यक्ति काफ़ी रिमोट एरिया के अंदर रहता है, पिछड़े इलाके के अंदर, तो क्या वहाँ तक वो स्कीम पहुँच पा रही है? क्या उसको पता भी है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम चला रही है? तो जब उसे पता ही नहीं तो वो कैसे उस चीज़ के एडवांटेज ले सकता है? तो गवर्नमेंट, इसके अलावा आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो आपके सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, वो इन लोगों तक इस बात को पहुँचाते हैं कि आप इस स्कीम के तहत रजिस्टर होकर के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपका भी आपने देखा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि आप विलेजेस के अंदर टॉयलेट बनाएं, और टॉयलेट बनाने पर आपको हम कुछ पैसा अपनी तरफ से देंगे। तो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट की स्वच्छता रहे हमारे विलेजेस के अंदर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक द चैलेंजेस अहेड। अब आगे क्या चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री में? पहला, इन इंडिया पॉवर्टी है सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया बट इट स्टिल रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। बहुत सारे चैलेंज हमने देखे बट गरीबी जो एक चैलेंज है वो आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कम करना, इसको रिड्यूस करना बहुत बड़ा चैलेंज है। कारण एक बहुत बड़ा जो है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है डे बाय डे। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री में हो रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्कीम्स के तहत लोग बागों तक रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रही है, उनको एजुकेट कर रही है, उनको और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए अलग अलग सेक्टर्स ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की,
उसके तहत क्या है आपका, 14 इयर्स तक आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं और 14 इयर्स तक मतलब 8 क्लास तक आपका एजुकेशन फ्री है। यहाँ पर मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि कितना एक बच्चा जब स्कूल में एनरोल होता है फर्स्ट क्लास में या LKG HKG में और जब वो 12th तक पढ़ता है तो करीब करीब 25,000 आवर्स जो होते हैं 25,000 घंटे वो अपने लाइफ के स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन मिले बच्चों को, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, प्रॉपर टीचर्स रिक्रूट किए जाएँ ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें और आगे इन लोगों को अच्छे जॉब मिल सकें, ये सोसाइटी के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पॉपुलेशन ग्रोथ में भी अब हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन जितना आज से 30 साल पहले बढ़ रही थी उतना ही आज बढ़ रही है, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं जो हमारा पंचायत राज लेवल पर गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ पर 33% या 1/3 किसके लिए सीट रिजर्व रहती हैं, वुमेन के लिए रिजर्व रहती हैं। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आज हमारे जितने भी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन सोसाइटी के उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी हैं, इम्प्लीमेंट की जा चुकी हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।